हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा एंड यू आर वॉचिंग पूजा टॉक्स ऑन यूट्यूब। वेलकम अगेन टू योर ऑन चैनल। टुडे वी विल टॉक अबाउट दी CSIR UGC नेट सिलेबस दिसंबर 2019। कैंडिडेट्स हु आर प्लानिंग टू अपेयर इन CSIR UGC नेट एग्ज़ाम गोइंग टू हेल्ड ऑन 15 दिसंबर 2019 कैन चेक अपडेटेड CSIR UGC नेट सिलेबस 2019 फ्रॉम दिस वीडियो। And for better preparation, students can also refer LS, MS, CS, PS, ES subjects net exam pattern. And you can also download your exam syllabus PDF from here in this video. So now let's start the video by the overview. देखिए, name of the conducting body is National Testing Agency, in short NTA. Examination name is CSIR UGC NET 2019 December. And date for registering for the exam is 9 September to 9th October 2019. And date for downloading CSIR UGC NET December exam card is 9th November also. नहीं, 9 September को start है, एक month तक आपकी opening है, registration है, और उसके ठीक एक month बाद आपका admit card आ जाएगा। और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपकी डेट है 15 दिसंबर है इसकी। एंड द ऑफिशियल वेबसाइट इज़ CSIRHRDG.RES.IN एंड सिलेबस PDF प्रोवाइडेड आपको, आगे मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं, लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप एग्ज़ाम पैटर्न के अलग से हैं, उनकी जो स्कीम है और जो आपका सिलेबस है उनकी अलग से है, वो आप डिस्क्रिप्शन के किसी भी लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको वन बाई वन मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, UGC नेट सिलेबस PDF आप कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए, जो मैंने ये सब्जेक्ट्स दिए हैं, फॉर केमिकल साइंस, फॉर अर्थ साइंस, फॉर लाइफ UGC नेट लाइफ साइंस सिलेबस एंड सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स साइंस एंड फिजिक्स सिलेबस या फिजिकल साइंस, इनके जो PDFs आपको मिलेंगे इसी सीरीज़ में, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट लिंक दिया हुआ, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है तो आपको उसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न, वो भी आपका सब्जेक्ट वाइज। ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अगर आप लिंक के थ्रू देखना चाहते हैं तो इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली इसी सीरीज़ में चेक करेंगे। केमिकल के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, या साइंसेज, या आर्ट साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, इन सबका जो लिंक है, आपको PDF लिंक या फिर इसका जो भी पैटर्न है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। देखिए, आपका सिंगल MCQ बेस्ड टेस्ट होगा। MCQs मीन्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और द टेस्ट बुकलेट विल बी प्रिंटेड इन हिंदी और इंग्लिश वर्जन। ऐसा ही होता है हमेशा, आपको दोनों लैंग्वेजेस में प्रिंट मिल जाएगा, जो आपके हाथ में एक बुकलेट होगी। एंड बुकलेट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, आपके थ्री सेक्शंस होंगे, A, B एंड C। और नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन करेंगे तो उसका नेगेटिव मार्क कटेगा एज़ पर द सब्जेक्ट वाइज जो भी स्कीम है। No grievances, representations with regard to answer keys after the declaration of result will be entertained. और अगर हम बात करें आपके number of questions की, जो कि 200 marks के आपको questions आ जाएंगे, total आपका इतना बन रहा है। And इसमें जो subjects हैं, that is general aptitude, graphical analysis and logical reasoning हो गया, numerical ability, ये सारे आपको जो हैं वो subjects आपको मिल जाएंगे। और मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है आपका जो एक और सब्जेक्ट है। एंड द लास्ट वन इज़ एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग साइंसेस। तो थ्री पार्ट्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन पार्ट्स में से आएंगे आपको, जो आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट बात करेंगे मार्किंग स्कीम की। देखिए, आपके पार्ट जो कि स्टार्टिंग में ही बोल दिया था A, B, C, उसके हिसाब से जो मार्क्स अलॉट हो रहे हैं, पार्ट ए को 30 हैं, पार्ट बी को 70 एंड पार्ट सी को 100। सो नेगेटिव मार्क्स जो होंगे फॉर ईच सब्जेक्ट वो 25%, यानी वही 1/4 आपका कटेगा जितने भी मार्क्स का होगा। टॉपिक्स ऑफ द टेस्ट की अगर बात करें सब्जेक्ट्स में, जो कि हम पीछे भी देख आए हैं, उसमें हमने पार्ट्स देखे थे, तो इसमें उन्हीं पार्ट्स को थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया है। देखिए, आपको जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, दैट इज़ द लाइफ साइंसेज, सेकेंड में अर्थ हो गया, एटमोसफियरिक हो गया, ओशियन या प्लानिटरी साइंसेज, थर्ड वन में मैथमेटिकल साइंसेज, एंड फोर्थ वन इज़ केमिकल साइंसेज, फिफ्थ इज़ फिजिकल साइंसेज। सो दीज आर द टॉपिक्स जो आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका जो सिलेबस है CSIR नेट सिलेबस दिसंबर 2019, जिसमें आपकी पूरी एक नोटिफिकेशन या फिर एक जो रिटन स्टेटमेंट है वो क्या है। देखिए, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो टेस्ट बुकलेट है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है,
ए बी सी, और जो पार्ट ए होगा वो शेल बी कॉमन टू ऑल द सब्जेक्ट्स. दिस पार्ट शेल कंटेन क्वेश्चंस हो गए टू जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे, विद एम्फेसिस ऑन लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, इसमें सारा जनरल हो गया पार्ट ए में. पार्ट बी में आपके कन्वेंशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जनरली कवरिंग द टॉपिक्स गिवन इन द जो नेट सिलेबस है आपका. एग्जैक्टली सी पार्ट के अंदर आपके हायर वैल्यू के क्वेश्चन होंगे, इसलिए आपका 100 मार्क्स कंटेन करता है, और एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, एंड द क्वेश्चन शेल बी ऑफ एनालिटिकल नेचर, वेयर अ कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई द साइंटिफिक नॉलेज टू अराइव एट द सॉल्यूशन टू द गिवन साइंटिफिक प्रॉब्लम. नेक्स्ट बात करेंगे यूजीसी नेट सिलेबस लाइफ साइंसेस के अंदर क्या टॉपिक्स आपको कवर करनी है. देखिए आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन रिलेवेंट टू, सेकेंड इज़ बायोलॉजी, क्योंकि ये सारा साइंसेस से रिलेटेड, ऑब्वियसली साइंस का सारा सिलेबस आता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग हो गया, डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, सिस्टम प्लानट या फिर सिस्टम साइकोलॉजी, एनिमल किससे रिलेटेड हो गया, इनहेरिटेंस बायोलॉजी क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स क्या है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, एवोल्यूशन एंड बिहेवियर अप्लाइड बायोलॉजी मैथड. देखिए जिसने साइंस पढ़ी है उसने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, उनको सब कुछ पता है क्या है, कौन सी बायोलॉजी क्या है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो. नेक्स्ट बात करेंगे फिज़िकल साइंसेस की. फिज़िकल साइंस के अंदर आपके पार्ट ए जो कि सी ओ आर है, और आपका पार्ट बी है जो कि एडवांस है. देखिए जिसमें मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ हो गए फिज़िक्स के, फिज़िक्स का सारा है, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. पार्ट बी के अंदर अब इसका और एडवांस आ गया, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ गई, क्वांटम मैकेनिज्म आ गया, थायरॉडमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारा उसका एडवांस में आ गया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स, कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स, ये सारे आपके फिज़िकल साइंस से रिलेटेड सिलेबस हो गया. नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल साइंस के टॉपिक्स की, तो इसके अंदर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स आ गए, केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैटालाइसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, सुप्रा मॉलिक्यूल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. नेक्स्ट तो देखते हैं सी एस आई आर यू जी सी नेट सिलेबस के अर्थ साइंस के टॉपिक्स क्या हैं. देखिए इसके अंदर आपका पेपर फर्स्ट में जो पार्ट ए है उसमें जर्नल साइंस है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस है, रिसर्च एप्टीट्यूड है. पेपर फर्स्ट के पार्ट बी के अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं वो है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, अर्थ मटेरियल्स, सरफेस फीचर्स एंड प्रोसेसेस, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डीफॉर्मेशन एंड टेक्टोनिक्स, ओशियंस एंड एटमोसफियर, ये पार्ट बी के हैं आपके पेपर फर्स्ट के. देन पेपर सी के जो कि जियोलॉजी से रिलेटेड आपको आएगा, या माइनरोलॉजी या पेट्रोलॉजी, इसके अंदर सारा लॉजिकली है, स्ट्रक्चर जियोलॉजी है एंड उसकी एप्लीकेशंस हो गई, पैलेनोटॉलमीज है एंड सेंडीमेंटोलॉजी है, स्ट्रेटोग्राफी है, मैरीन जियोलॉजी है, जियोकेमिस्ट्री है, इकोनॉमिक जियोलॉजी है, क्रस्टल इवोल्यूशन है, क्वांटरी जियोलॉजी है, अप्लाइड जियोलॉजी, फिज़िकल जोग्राफी है, जो फिज़िक्स है, मेट्रोलॉजी है एंड ओशियन साइंसेज है. इसमें सारा जो आपका पार्ट सी का है, सारी जियोलॉजी है, हर चीज़ से रिलेटेड आपको इसमें मिलेगी. सो ये सारा अर्थ साइंस से रिलेटेड आपका सिलेबस है. नेक्स्ट बात करेंगे मैथमेटिकल साइंस के टॉपिक्स की, जिसके अंदर यूनिट फर्स्ट में आपका एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, सेकेंड यूनिट के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, अलजेब्रा, टोपोलॉजी, यूनिट थर्ड में ऑर्डिनरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं. थर्ड के थोड़े हैं टॉपिक्स. फोर्थ के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स हो गया, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. सो ये आपका जो है वो मैथमेटिकल का सिलेबस है. नेक्स्ट बात करेंगे फिज़िकल साइंस, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है फिज़िकल साइंस से रिलेटेड, उसमें आपके क्या क्वेश्चनिंग आएगी. देखिए इसके अंदर भी आपको तीन सेक्शंस होंगे, यानी कि तीन पार्ट्स होंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट ए में 20 है, पार्ट बी में 25 है एंड पार्ट सी के लिए 30 है. और जो मार्क्स हैं पार्ट ए में आपको 30 मार्क्स से रिलेटेड पेपर आएगा,
बी में 70 एंड सी से 30। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ देखी, सी पार्ट में मोस्टली बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स भी वही कंटेन कर रहा है। सो आप सी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए दो के साथ साथ। नेक्स्ट देखेंगे केमिकल साइंस का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। इसमें भी आपको 3 पार्ट्स आएंगे ए बी सी। पहला पार्ट 20 मार्क्स का और 30 मार्क्स कंटेन कर रहा है। पार्ट बी 40 क्वेश्चंस का है एंड 70 मार्क्स कंटेन कर रहा है। पार्ट सी 60 क्वेश्चंस का है एंड 100 मार्क्स कंटेन कर रहा है। सो यू कैन सी आपको किस हिसाब से पेपर की तैयारी करनी है। नेक्स्ट लाइफ साइंस का अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स कंटेन कर रहा है। पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस हैं और 70 मार्क्स का है ये। पार्ट सी का 75 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स कंटेन करेगा। नेक्स्ट देख लीजिए मैथमेटिकल साइंस का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। 3 पार्ट्स हैं 20, 40 एंड 60 मार्क्स के, और इसके मार्क्स हैं आपके पार्ट ए के 30, पार्ट बी के 75 कंटेन कर रहा है और पार्ट सी के 95। और अर्थ साइंस के अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सभी में 3 पैटर्न तो है ही हैं, 3 सेक्शंस हैं, जिसमें पार्ट ए 20 क्वेश्चंस, पार्ट बी 50 एंड पार्ट सी 80। हर एक का अलग अलग है। पार्ट ए सिर्फ 20 कंटेन कर रहा है, बाकी सेकंड और थर्ड का जो है वो अपना अलग पैटर्न है। और मार्क्स में भी थोड़ा सा चेंजेस हैं, जैसे 20 मार्क्स का पार्ट ए है तो 30 मार्क्स कंटेन कर रहा है, पार्ट बी 50 क्वेश्चंस का है तो 70 मार्क्स कंटेन कर रहा है और पार्ट सी 80 क्वेश्चंस का है तो 100। तो ये थोड़ा थोड़ा हर एक में चेंजेस है, आप किसी का हर एक का सेम मत समझिए। 3 सेक्शन ज़रूर सेम है लेकिन उनके क्वेश्चन और उनके मार्किंग स्कीम दोनों तीनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्टडी मटेरियल की, क्या आप कौन सी बुक्स लें, कौन से ऑथर से रेफर बुक्स लें जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए मैंने आपको टेबल में शो किया हुआ है, स्क्रीन पर सारे बुक्स नेम और ऑथर नेम आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। लाइक केमिकल साइंसेज की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए नेट सेट JRF और LS केमिकल साइंस PB की बुक है जो कि एरिहान की है। उसके बाद CSIR UGC नेट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंसेस की बुक है श्रीवर एंड एटकिंस की। फिजिकल साइंसेस के लिए इस तरह डिफरेंट है एंड उनके ऑथर्स हैं। लाइफ साइंसेस में भी आपको मिल रही है, पाथ फाइंडर अकेडमी है एंड एडवांस गाइड फॉर लाइफ साइंस है, ये आप कर सकते हो। प्रणव मुकर उषा मीना की है ये बुक। एंड मैथमेटिकल साइंसेस के लिए भी है, पवन शर्मा की बुक है, आप प्रेफर कर सकते हो। PC मित्तल एंड रितेश मिश्रा की भी है। एंड अर्थ साइंसेस के लिए भी सुरेंद्रा कुमार की जो बुक है वो आप ले सकते हैं, जिनमें से आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा, आप बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम की। सो विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट सेशन। थैंक्स।